झल ट्रैक इस दफ़ा हंड्रेड एंड थर्टी फाइव किलोमीटर्स का और उसमें जो नदी है वो थोड़ी उसमें पानी काफ़ी आया फ्लड्स में आया था तो पत्थर थोड़े लेकर आए थे पर वो ठीक किया हमने काफ़ी काम किया उसके ऊपर बाकी ट्रैक माशाल्लाह तेज़ ट्रैक है और चलाने वाला ट्रैक है पर सबको यही हम कहेंगे कि झल में जो है गाड़ी का बिहेवियर जो है ना कंपेयर टू चोलिस्तान या थल बहुत डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे रहती है वहाँ पे गाड़ी पकड़ के चलती है यहाँ पे ऐसे समझे आप पानी पे चला रहे हैं वो इसी वजह से किए कि हमारे पास बहुत फाइन पाउडर है और ये अगर ज़्यादा गाड़ियाँ है चलती हैं तो सारा ट्रैक खुद जाता है और ट्रैक अगर खुद जाता है तो फिर रेस के दिन जो है कोई मज़ा नहीं आता चलाने का और ये कंप्लेन थी तो हमने इसका इलाज यही सोचा कि एक दिन अब माशा ट्रैक का में फ़र्क है बचा हुआ है ट्रैक मेरा तो ख्याल अभी हमने कुछ किया ही नहीं है बहुत कम किया है खासतौर टूरिज्म और इकोनॉमी के लिए क्योंकि इसको इंटरनेशनली खोलना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए कि बाहर से भी लोग हैं आएंगे तो पैसा भी आएगा मल्टीनेशनल कंपनीज भी आएंगी यहाँ पर ही आप देख लें थोड़ा जो हम कर रहे हैं कितना फ़र्क आ जाता है उन रीजनस में जिधर जाके हम भगाते हैं गाड़ियाँ